हाय गाइस, तो आज हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले सेक्शन में मैं एरिया स्टार्ट करने वाला हूँ, एरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट हम लोग थोड़ा सा बेसिक से ही करेंगे, बेसिक से फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, आखिर तक। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है एरिया में, वो क्या सकता है आपको, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हाइट इनटू बेस। तो आपको किसी भी ट्रायंगल में सबसे पहले तो सबसे बेसिक क्वेश्चन जिसमें आपको ट्रायंगल ही राइट ट्रायंगल दे दिया हो और आपको हाइट और बेस दोनों गिवन हो, हाइट कॉमा बेस दोनों गिवन है ना, और आपसे एरिया पूछा गया हो, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया कि एरिया कितना होता है, हाफ ऑफ हाइट इनटू बेस। तो यहाँ से आप लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रायंगल चेंज कर दिया अगर, और ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल दे दिया, तो इस केस में हाइट आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगी, दैट इज ये होगी हाइट, है ना, और बेस आपको अगर गिवन है और हाइट गिवन है आपको, या हाइट आप फाइंड कर सकते हो किसी इक्वेशन से, तो इस केस में भी एरिया आपका अचीवेबल है, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ। क्वेश्चन जनरली क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके ही आता है आपको, है ना, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है पर फिर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या किया है, मैंने बोला है कि दो लाइन है आपकी ए बी और पी क्यू, और वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एम पे, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी पी ट्राइंगल और ए बी क्यू ट्राइंगल का रेशियो कितना होगा पी एम बाय क्यू एम, ठीक है। अब आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो उस क्वेश्चन को, है ना, और देख सकते हो कि कंसेप्चुअली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है और आप क्या थ्योरी अप्लाई कर पा रहे हो, है ना, क्योंकि बेसिक थ्योरी है वही अप्लाई होगी इसमें, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई थ्योरी कुछ अप्लाई नहीं होगी, सिंपल से रिजल्ट है वही अप्लाई होगी, ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन ही है। हिंट के लिए मैं इसका डायग्राम भी बना सकता हूँ आपके लिए, ये लाइन है आपकी ए बी, ये लाइन है आपकी पी क्यू, इसे लिख देता हूँ ए बी, ये लाइन है पी क्यू, ये इंटरसेक्ट कर रही है एम पे, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल बनेंगे कुछ इस तरीके से ट्राइंगल बनेंगे आपके, ठीक है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, ए पी बी ट्राइंगल और ए क्यू बी ट्राइंगल के एरिया का रेशियो पी एम बाय क्यू एम होगा, ठीक है। अब ये फिगर आपको देखने से वो थोड़ा सा रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, पर ये रेक्टेंगल नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये कोई रेक्टेंगल नहीं है, ये गलती से रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मुझे क्या पता है, बेसिकली मुझे क्या पता है कि भाई ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ हाइट इंटू बेस। अगर मुझे इसका ए बी पी का एरिया बताना है, इस ए ट्राइंगल ए बी पी का एरिया बताना है, तो मुझे क्या चाहिए, बेस, दैट इज ए बी, ए बी नोन है ना, और हाइट और चाहिए है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी स्केलन ट्राइंगल होगा तो हाइट मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा, तो मैं हाइट कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ये मैंने हाइट ड्रॉ की, हाइट क्या होती है, एक सीवियन लाइन जो वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, ठीक है। तो ये मैंने हाइट ड्रॉ कर दी, इसका नाम दे दिया H1, ठीक है। हाँ, अब सेम अगर मैं यहाँ से एक ए क्यू बी ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल के लिए देखूँ, तो बेस अवेलेबल है ए बी, और क्यू से हाइट ड्रॉ करूँ
तो ये परपेंडिकुलर और इस हाइट को नाम दे देता हूँ मैं एच टू, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं रेशो चेक करूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू बी, तो वो कितना आ रहा है, हाफ इसकी हाइट कितनी एच वन और बेस कितना मेरा ए बी, और डिवाइडेड बाय ए क्यू बी का चेक करूँ तो वो कितना आ रहा है, हाफ एच टू और बेस कितना आ रहा है ए बी, तो यहाँ से ए बी कैंसिल हो रहा है और ये हाफ कैंसिल हो रहा है, तो ये कितना आ गया है एच वन बाय एच टू। मतलब कि मुझे क्या प्रूफ करना है कि एच वन बाय एच टू किसके इक्वल होगा, पी एम बाय क्यू एम के, ठीक है। अब ये है साइड्स का रेशो, अगर साइड्स का रेशो मुझे कंपेयर करना है तो डेफिनेटली मुझे किससे जाना पड़ेगा, सिमिलरिटी से, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे रिलेट होते हैं, मतलब कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है एरिया से पर उसमें कंसेप्ट किस चीज़ का लग रहा है, सिमिलरिटी का, ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार आपको खुद से ऐसा रिलेट करना पड़ता है कि हाँ यार ठीक है, अगर मुझे साइड्स का रेशो दिया हुआ है इसका मतलब मुझे फट से क्लिक करना चाहिए कि नहीं हाँ ये जो कंसेप्ट है डेफिनेटली ये सिमिलरिटी से जा रहा होगा, ठीक है, सिमिलरिटी या फिर एरिया के रेशो से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इन पॉइंट्स को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे कि एक्स और वाई नाम दे देते हैं इसको, एक्स और ये वाई। तो अब मैं ट्राइंगल देखता हूँ कौन सा, क्यू एक्स एम और पी एम वाई। अगर मैं ये दो ट्राइंगल देखूँ क्यू एक्स एम और ट्राइंगल पी एम वाई, तो इस केस में आप देख सकते हो दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल के लिए मुझे बस दो एंगल इक्वल चाहिए होते हैं, तो ये होते हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये 90 और 90 हैं, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर हो गए, इसका मतलब इनकी साइड्स का रेशियो कैसा होगा, सेम होगा। तो इनकी साइड्स कौन कौन है, साइड से मेरी एच वन बाय एच टू और इनकी हाइपोटेन्यूस है पी एम बाय क्यू एम। यहां से मेरा एच वन बाय एच टू आया पी एम बाय क्यू एम, इस रिजल्ट को मैं यहां पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं एच वन बाय एच टू को पी एम बाय क्यू एम पुट कर दूंगा तो ये कितना जाएगा इसके, ठीक है, और यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है, बस थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि इसमें एरिया को मुझे सिमिलरिटी से कनेक्ट करना था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है मेरा वो क्या बोल रहा है कि आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें ए बी 7 है ए सी 9 है ना, और ए बी में एक पॉइंट है ऑन ए बी, पॉइंट डी इज टेकन सो दैट, ए बी लाइन पे एक पॉइंट है डी, जिससे कि बी डी कितना है 3 है ना, बी डी 3 है और ए बी 7 है, तो आपका ए डी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। और डी जो है डी ड्रॉन कटिंग ए सी इन ई, अब डी आपने ड्रॉ किया हुआ है जो ई पॉइंट है किस पे लाई कर रहा है, ए सी पे, जिससे आपका एक कॉरिलेटर बन रहा है बी सी ई डी, है ना, जिसका एरिया 5/7 टाइम्स है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो आपको सी ई फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाए थे सबसे पहले, तो यह ए बी सी ट्राइंगल है ना, इसमें डी पॉइंट कुछ इस तरीके से लाई कर रहा है कि बी डी मेरा कितना आ रहा है 3, है ना। अब टोटल लेंथ मेरी कितनी है 7 है, तो ए डी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब ई पॉइंट इस तरीके से लाई कर रहा है ना, कि डी ई का एरिया, मतलब डी ई अगर मैं ज्वाइन करूं
तो बनने वाले बी सी ई डी का एरिया 5/7 है ए बी सी के एरिया के, ठीक है। हाँ तो इस केस में मुझे क्या फाइंड करना है, ई सी, ठीक है। अब आप से वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा सेकेंड वाला कंसेप्ट लग रहा है, दैट इज एरिया रिलेटेड टू ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। होपफुली आपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, जो भी हमने लेक्चर की थ्योरी पढ़ी हुई है आपने उसके नोट्स बनाए होंगे, तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा आपकी कॉपी में कि कौन से फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। और फिर आप उसको अप्लाई कर लोगे, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन इसका डिस्कस करते हैं, ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ए डी ई का एरिया मेरा एक्स दिया हुआ है और बी सी ई डी जो मेरा कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरा ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसका एरिया है वाई, ठीक है। तो आप देखिए, मुझे क्या पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका रेशियो मुझे पता होता है ए डी ई ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल का, ठीक है। आपको अगर याद हो तो ए डी ई ट्राइंगल का एरिया मैं लेता था साइन के टर्म्स में, किसके टर्म में, साइन के टर्म में, तो वो आता था ए डी इंटू ए ई डिवाइड बाई ए बी इंटू ए सी, ये डिस्कस किया हुआ हमने, है ना, पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया हुआ था। तो इसका रिजल्ट आता है ए डी इंटू ए ई डिवाइडेड बाई ए बी इंटू ए सी, ठीक है। अब देखिए, ए डी ई ट्राइंगल का एरिया एक्स है और ट्राइंगल ए बी सी का एरिया एक्स प्लस वाई होगा, नीचे वाले का वाई है, दोनों का मिला के एक्स प्लस वाई होगा, सिंपल सा है। ए डी लेंथ मुझे पता है कितनी है, 4 इंटू ए ई लेंथ मुझे नहीं पता है, तो मैं इसे फाइंड आउट कर लेता हूँ, है नीचे ए बी, ए बी टोटल लेंथ है 7 और ए सी, ए सी लेंथ भी मुझे गिवन है, ए सी लेंथ है 9, हाँ ये भी ए सी क्वेश्चन में गिवन है 9, तो ये लेंथ मेरी 9 है, तो इसे 9 रख लेता हूँ, ठीक है। हाँ अब देखिए, एक और चीज मुझे गिवन है, दैट इज क्या, बी सी ई डी का एरिया ए बी सी के कंपैरिजन में कितना है, 5/7, मतलब कि एरिया ऑफ बी सी ई डी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, उसका रेशियो कितना है, 5/7, ठीक है। अब मैं अगर इसे लिखूं तो वो इस तरीके से है, बी सी ई डी, सॉरी बी सी ई डी, अब दिख रहा होगा आपको, है ना, बी सी ई डी डिवाइड बाई ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों का एरिया, इसका रेशियो है ना, कितना है, पहले तो लिख लेता हूँ उस फॉर्म में, ये क्या होगा वाई और डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, तो वाई बाय एक्स प्लस वाई, इसका रेशियो दे रखा है 5/7, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए है एक्स बाय एक्स प्लस वाई, है ना, वाई बाय एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। अब वाई बाय एक्स प्लस वाई 5/7 दिया हुआ है, इसको मैं इस तरीके से अगर लिख लूँ 5/2 + 5, है ना, और मान लूँ कि अगर y का एरिया 5 होगा तो यहाँ से y का एरिया 5 आ रहा है, तो x का एरिया कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, है ना। तो इससे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि x बाय एक्स प्लस वाई कितना आ रहा होगा, 2/7, ठीक है। ये मैंने एक जस्ट एक लॉजिकल आपको वो दिया है इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, आप चाहो तो इसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, यही आंसर आएगा आपका, x बाय एक्स प्लस वाई कितना आएगा, 2/7 ही आएगा, ठीक है ना। सीसी बात है, y बाय एक्स प्लस वाई 5/7 है, तो x बाय एक्स प्लस वाई 2/7 होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/7 इक्वल टू 4/7 इंटू ए ई डिवाइड बाय 9, यहाँ से मेरा ए ई आ जाएगा इजीली। तो ए ई कितना आ रहा है मेरा, ये 7 से 7 कैंसिल हुआ,
ये 2 टाइम्स गया, ठीक है, तो ये ए ही आ रहा है मेरा 9/2। अब मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था सी ई, तो जो लेंथ सी ई होगी वो ए सी माइनस ए ई होगी, है ना। अब जो लेंथ ई सी होगी वो लेंथ होगी कितनी, ए सी माइनस ए ई, यानी कि 9 - 9/2। तो जो मेरा आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, ई सी इक्वल टू 9/2, ठीक है ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये बहुत जो आपके बेसिक कंसेप्ट से आ रहा है, बस कि आपको जो एक सिंपल सा रिजल्ट है उसे बस अप्लाई करना है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही ट्विस्ट है, और उसके उसमें आपको इसको पोट करना है बस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें उसने बोला है कि द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ लाइन बी सी इज 3, है ना। एक बी सी लाइन है जिसका डिस्टेंस एक किसी भी ए पॉइंट से कितना है, 3 है, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली, है ना। फिर उसके बाद में दो लाइन मैंने ड्रॉ की हैं, टू लाइंस 2L एंड L डैश पैरेलल टू बी सी, ये टू लाइंस होगा, सॉरी टू लाइंस L एंड L डैश पैरेलल टू बी सी डिवाइड ट्राइंगल ए बी सी इंटू 3 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, है ना। ए बी सी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, कौन सी, ये दो लाइन, है ना, जो किसके पैरेलल हैं, बी सी के, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन L एंड L डैश, L और L डैश के बीच में आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक हिंट मैं दे देता हूँ, इसमें सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। जो एरिया का रिलेशन होता है सिमिलरिटी के टर्म्स में, वो वाला कंसेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, आपका मैं डायग्राम बना देता हूँ सबसे पहले, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है। एक पॉइंट है सबसे पहले तो ए, है ना, फिर उसके बाद मैं लाइन ले लेता हूँ यहाँ से ऐसी बी सी, और इसको ज्वाइन कर देता हूँ ऐसा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से बी सी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना के बने, मेरे को 3, ये वाला, ये कितना के बने, 3, ठीक है। अब उसके बाद में दो लाइन है, एक तो है मेरी L और एक है L डैश, तो ये दो लाइन है L और L डैश, ये मेरी पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच का डिस्टेंस बस मुझे फाइंड करना है, ठीक है। ये दो डिस्टेंस, ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं कुछ अजम्पशन मान लेता हूँ, है ना, जैसे कि अगर ये मैं लाइन लूँ, कौन सी वाली, L वाली, तो A से L का डिस्टेंस इसको मैं H1 मान लेता हूँ, ठीक है। A से L डैश का डिस्टेंस मैं H2 मान लेता हूँ, ठीक है, और A से BC का डिस्टेंस मुझे गिवन है, दैट इज 3, ये डिस्टेंस मुझे गिवन है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं इसमें सिमिलरिटी वाला, जैसे मैंने आपको बताया था सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि अगर किसी ट्राइंगल में मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो बनने वाले ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं इनको पहले नोटेशन दे दूँ, जैसे कि ये D है, ये E है, इसको F मान लेते हैं, इसको G मान लेते हैं, ठीक है, तो बनने वाले ट्राइंगल, जैसे ये लाइन डालिए पैरेलल, तो ए डी ई और ए जी एफ, ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल होने के लिए दो एंगल, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, है ना, कोई भी, तो दो पेयर, है ना, तो देखिए दो पेयर मेरे इक्वल है, अगर मैं ये लाइन डालूँगा तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है,
ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये इक्वल हो जाएंगे, और ये एंगल मेरा कॉमन आ रहा है ना, तो इससे जो मेरे ट्राइंगल होंगे कौन कौन से, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए जी ई, ये दोनों मेरे ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो साइड के रेशियो, साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। साइड वन है ना, साइड ऑफ ट्राइंगल वन और साइड ऑफ ट्राइंगल टू इनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, बस इतना से चेक करना है। तो साइड में कोई से भी ले सकता हूँ, पर एक्चुअली में मुझे हाइट के बीच में रिलेशन चाहिए है, इसलिए मैं हाइट ले रहा हूँ, साइड नहीं ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, हाइट, और हाइट का रेशियो भी वही होगा, है ना। तो हाइट कितनी है, एच वन है और एच टू है। ए डी ई ट्राइंगल की हाइट मैंने एच वन मानी है और ए जी एफ ट्राइंगल की हाइट मैंने कितनी मानी है, एच टू मानी है। तो इनका स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया देखिए, आप उसने क्या बोला है कि ये जो दो लाइन है एल और एल डैश, इन दोनों को, इन दोनों एरिया को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना। जैसे कि इसका एरिया मैं एक्स मान लूँ, इसका एरिया मैं वाई मान लूँ, इसका एरिया मैं जेड मान लूँ, तो अभी मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ, एक्स बाय एक्स प्लस वाई। अब उसने क्या बोला है, एक्स और वाई इक्वल है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो एक्स बाय एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा मेरा, 1/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा रिलेशन, एच वन बाय एच टू का स्क्वायर दैट इज 1/2, तो एच वन बाय एच टू कितना हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, इतना आगे समझ में, ये मेरा आया है पहला रिलेशन। ठीक है, सिमिलरली मैं ए डी ई ट्राइंगल, ए डी ई ट्राइंगल डिवाइड बाय ए बी सी ट्राइंगल का एरिया कंपेयर करता हूँ, तो ए डी का एरिया है एक्स और ए बी सी का है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। सॉरी, अभी आपको देखें, अब देखिएगा। ठीक है, तो ये एक्स है ना, और ये कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। सो इट इज 1/3। ठीक है, अब इसके बाद में ये किसके इक्वल होगा, इनकी हाइट के स्क्वायर के रेशो के इक्वल। ठीक है, तो ए डी ई की हाइट कितनी है, एच वन, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ एच वन है ना, डिवाइडेड बाय ए बी सी ट्राइंगल की हाइट है पूरी, पूरी है 3, ये है पूरी 3, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 3 और इसका स्क्वायर। अब इसे मुझे सॉल्व करना है, तो इसे मैं सॉल्व करूँगा तो h1/3 कितना आ जाएगा, 1/√3, दोनों तरफ रूट ले लिया, इससे मेरा h1 आ रहा है 3/√3 या फिर कितना, √3, ये √3 से ये कैंसिल होगा तो कितने टाइम जाएगा, √3 टाइम्स, तो h1 हाइट आ गई मेरी कितनी, √3। अब इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है ना, इस चीज को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, h1/h2 इक्वल टू 1/√2, यहाँ से ये आएगा h2 इक्वल टू h1 × √2, h1 है मेरा √3, सो √3 × √2 इक्वल टू √6, h2 आया मेरा √6। अब मुझे चाहिए है l और l डैश के बीच का डिस्टेंस, दैट इज h2 − h1 चाहिए मुझे, क्या चाहिए, h2 − h1। अब मुझे h2 भी पता है, h2 मेरा कितना है, √6, और h1 भी मुझे पता है, दैट इज √3,
तो एच टू माइनस एच वन कितना हो जाएगा, रूट सिक्स माइनस रूट थ्री। ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम था जिसमें मैंने एरिया और सिमिलरिटी को यूज़ किया है, दोनों को एक दूसरे से रिलेट किया हुआ है, ठीक है ना, सिंगल क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आपको भी ये चीज़ स्ट्राइक करना चाहिए, जब भी पैरेलल लाइन डलती हैं इसका मतलब ट्राइंगल में सिमिलर ट्राइंगल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो अगर एरिया आ रहा है तो मैं उसे सिमिलरिटी से कनेक्ट करूँ, ठीक है ना। जब मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ रहा है तो मैं ऑब्वियसली हाइट इनटू बेस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मेरे उसमें एक जनरल सीवियन लाइन ड्रॉ होती है ना, जैसा कि मेरे सेकेंड नंबर क्वेश्चन में था, यहाँ पे है ना एक जनरल सीवियन लाइन ड्रॉ हो रही है, तो मैं साइन वाले फॉर्म पे से जा रहा हूँ जिसमें रेशियो आता था ये वाला ए डी इंटू ए डिवाइड बाई ए बी इंटू ए सी, ठीक है। ये कुछ सिंपल क्वेश्चन थे आपके।